Ay, boca. आज घर की तरफ निकले थे तो थोड़ा मौका लग गया यहाँ पे वीडियो शूट करने का। ये हर्षल ने खाना खाना था तो ये खाना खाने यहाँ रुक गया। हो गया इसका टिफिन पैक, स्कूल से आ गया था तो हो गया। चले भाई, लोगों ने ना बगीचों में, यहाँ बगीचे तो कम ही है, खेत है ज्यादा, पर यहाँ पे हट्स बना के रखे भाई। बड़ी सुंदर हट्स, ये देखो, ये सब ब्लर दिख रहा है थोड़ा, मैं ऐसे दिखाती हूँ। हट देखो, क्या सुंदर हट्स बनाई है भाई, कमाल ही करते हैं लोग। ये देखो, यहाँ से रोड निकाली है लोगों ने, नीचे तक देखो गांव कितना सुंदर है, गांव बने हुए। हट देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बना के रखी है भाई, पर बहुत सुंदर जगह में बनाई है। देखो आप आओगे तो ये कुफरी से थोड़ा आगे है, ये कुफरी से आगे है, ये मंदिर है एक यहाँ पे। ये देखो, यहाँ मंदिर है एक ना, इस मंदिर के सामने है गलू, हाँ गलू मंदिर है, कुफरी से आगे है गलू जगह है, वहां पे है ये बने हुए ना, ये जो इन्होंने बना के रखी हट्स बना के रखी है भाई, बड़ी सुंदर है। कभी शिमला आओ तो इस जगह आना, बड़ी मैं तो नहीं गई हूँ, पर हस्बैंड गए हैं तो बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। तो चलिए हम भी निकलते हैं घर की तरफ। आपको दिखाए ना हट्स वहाँ पे, ये देखो, ये नज़दीक ये होटल भी है एक, बिल्कुल रोड हेड पे है ये होटल, यहाँ पे रोड साइड होता है, हाँ रोड साइड, जो भी समझ गए, समझने वाले समझ गए। ये देखिए, ये हम पहुँच गए फागू वैली है, ये लोगों ने नेट लगा दी अभी से, देखो सेब में, क्योंकि यहाँ पे ना ओले बहुत पड़ते हैं। ये देखो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कागज़ फेंके हुए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये सामने है चूड़धार, जो बर्फ़ दिख रही है हल्की हल्की, ये चूड़धार है, ये सिरमौर में है। क्या दिखता है यहाँ से, हाँ ये सिरमौर का एरिया है चूड़धार में, यहाँ पे श्रीगुल महाराज का है, शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, काफ़ी प्रचलित मंदिर है। और यहाँ से जैसे अभी हस्बैंड बता रहे हैं कि यहाँ से हरियाणा और ये आपका सोलन का, उत्तराखंड हरियाणा और ये सोलन का एरिया पूरा दिखता है यहाँ से। सोलन से तो नज़दीक है वैसे भी ये चूड़धार। और ये सामने की जो पहाड़ियाँ हैं ऊपर टॉप में, ये कोटखाई का एरिया पड़ता है आप सामने, कौन सा ठियोग, अच्छा हाँ आगे तो हम ठियोग होते हुए जाएंगे, अभी सामने ठियोग ही दिख रहा है, बल्कि जो काफी बड़ी सी बिल्डिंग्स दिख रही है वो ठियोग की ही दिख रही है। छैला, वो जो भी, मुझे इतना नॉलेज नहीं यहाँ के जगहों के बारे में, इनको पता है तो ये मुझे गाइड कर रहे हैं कि ये जगह है यहाँ पर। ये क्या नीचे CBSE स्कूल है यहाँ पे नीचे, ये कौन सा स्कूल है, ये मोनाल क्या लिखा है, इंटरनेशनल दिख नहीं रहा है नीचे, क्या CBSE ट्रिनिटी CBSE है ना, पर नीचे पता नहीं क्या है, कौन सा स्कूल है वो दिख नहीं रहा है पूरा, स्कूल का नाम ट्रिनिटी है। अच्छा यहाँ पे भी स्कूल है भी, तो ये है फागू वाला एरिया, देखो कितना सुंदर है यहाँ पे फागू वैली। आप जालियाँ देखो, ये नेट लगाते हैं सेबों के ऊपर, वो देखो कितनी सुंदर दिख रही है। आज ऐसे थोड़े जल्दी निकल गए थे तो कुछ शूट करने का टाइम लगा, नहीं तो जल्दी होते हमेशा, तो अभी जैसे जल्दी छुट्टी होगी बेटे को तो हम वही स्कूल से ही निकल गए। हाँ अभी छुट्टी है 2-4 दिन की, तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया आप लोगों को,
तो भी पहले तो मास्क पहन लेते हैं, ये सबसे जरूरी है जिसकी वजह से सारा ये डामाडोल हुआ है, सारा 2 साल से स्थिति डामाडोल हुई है। हुक्का भी रहे बकुते आप, ये बड़ी मेहनत करते हैं यार ये लोग भी, वो देखो औजार बनाने वाले बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। कान छिदवा रही आंटी, जुए ढूंढ रहे हैं, जुए ढूंढ रहे नहीं जुए नहीं ढूंढ रहे यार यहाँ ठियोग में ना एक सब्जी की दुकान है, यहाँ बड़ी अच्छी डेकोरेट करके रखते हैं, ये देखो मन ऐसा करता है यहीं पे पूरी सब्जियां बना के खा लें। ये यहाँ पे भी सीढ़ी नुमा ही खेत है, मनमोहक नजारा है, मनमोहक तो है। हवा चल पड़ी अब ठंडी ठंडी हवा, और ये ठियोग वाला एरिया। अब ये कौन सी पहाड़ी है, ये शाली है, ये शाली वहाँ हम यहाँ से हैं पीछे से। अच्छा अच्छा ये भी शाली है जो हमने पीछे से अभी दिखाया था आपको, फागू के पास, फागू से पीछे कुफरी के पास दिखाया था, कुफरी के पास। अगर आप ज़ूम करके ध्यान दिखाएंगे तो वो चिखड़ महाराज का मंदिर है, कहाँ है शिव जी महाराज है, वो भी यहाँ के लोकल देवता जी है, वो गांव में दिख रहा है। ये दिख रहा है नीचे, ये भी वहाँ ऊपर वो सामने दूर, इतना ज़ूम कहाँ होगा। अच्छा यहाँ के देवता जी होंगे कोई, चिखड़ महाराज जी, यहाँ कण कण में महादेव का वास है, पहाड़ों में तो शिव जी का ही वास है सारे में। अभी ठंडी हवाएं चली है, देखो चील का पेड़, हम एक बेल रहे यहाँ, बेल रहे बोलते हैं और हमारे बोलते हैं कैटी। ये देखो क्या सुंदर लग रहे हैं ये लटके हुए ना, ये पाइन ट्री, और इसे कहते हैं पाइन ट्री, पाइन ट्री। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ का व्यू भी हो गया। ये अब हम ना मतियाना वाले एरिया में पहुँच गए हुए, और ये रास्ता नीचे से छैला को जा रहा है, यहाँ से जो रोड दिख रही है वाली, हाँ वो गाड़ी जा रही है, वो नीचे वहाँ छैला है, कहाँ जा रही है रोड नीचे, ये गाड़ी उस रोड में जा रही है। अच्छा वो देखिए छैला यहाँ नीचे जाके गहराई में जाके कि ऊपर, अच्छा डाउन में छैला नीचे। यहाँ पे देखो नीचे ना ये वाला लोगों ने यहाँ पे ये ग्रीन हाउस का कुछ लगा के रखा है, कुछ पनीरी तैयार कर रहे हैं ये, नीचे कुछ धनिया भी लगा के रखा है, बहुत बढ़िया घर देखो लोगों कितने सुंदर है यहाँ पे ये वाले। और वो फिर चूड़धार देखो, हाँ अभी यहाँ से दिख रहा है, और चूड़धार के ना यहाँ से भी दिख रहा है पूरा ये एरिया पीछे का, थोड़ा धुंधला है अभी, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पर पेड़ों की तो ये सेम ही बात है बनाने की कि सबने नेट लगाई हुई है आजकल सेब के उसमें पर्पज़ के लिए, सेफ्टी के पर्पज़ से। ये मतियाना का पूरा एरिया, हाँ यहाँ ज़्यादा नज़दीक है, देखो नेट लगा के रखी है। सेब के ना टहनियाँ टूट जाती है जब ओले पड़ते, तो लोग इसकी सेफ्टी के लिए लगा के रखते हैं ये। काफी सुंदर एरिया यहाँ पे भी, मैंने तो मास्क उतार दिया क्योंकि बड़ी कोरोना यहाँ खत्म हो जाता है गांव में आके कोरोना खत्म हो जाता है। ये हमें ड्रॉप करने आए थे गांव में, तो ड्रॉप करके वापस जाएंगे अभी, और मैं आपको नारकंडा हाइट से कुछ व्यूज दिखाती हूँ। ये नारकंडा से दिख रही है आपको बर्फ की पहाड़ियाँ, देखो कितनी सुंदर दिख रही है ये, ये है वेस्टर्न हिमालयाज, ये पूरी पहाड़ियां, ये देखो पीछे तक बीच में थोड़े पेड़ हैं, नारकंडा में काफी देवदार के पेड़ हैं यहाँ ऊंचे ऊंचे। हाँ मैंने दिया यहाँ से ना, मैं थोड़ा जूम करके बताती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये वेस्टर्न हिमालयाज, इसकी दूसरी ओर तिब्बत और चाइना है। अच्छा जैसे कि ये बता रहे हैं कि इसके अपोजिट साइड को है तिब्बत और चाइना,
बंदर भी आ गया उधर से, कुटगढ़ और थानादार का थोड़ा सा बीच में दिख रहा है नारकंडा का जो हाटू पीक है वहाँ के, बर्फ की थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी मैं, ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखेगा। बीच में देखो ये पेड़ों के बीच में सामने दिख रहा है मेरा, कैमरा थोड़ा हिल रहा है, मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये जो आपको थोड़ा सा बीच में घना जंगल दिख रहा है ना यहाँ बीच में, मैं ये देखो ये है कोटगढ़ का एरिया। सबसे पहले जो सेब आया था हिमाचल में वो यहीं पे आया था, सत्यानंद स्टॉक्स, जो सत्यानंद स्टॉक्स जी थे उनका वो लाए थे सेब, तो सबसे पहले ये हमारे यहाँ कोटगढ़ एरिया में आया था सेब यहाँ पे। अभी बंदर ये देखना, ये भी देख रहा मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भाग गया, देखो गुस्सा देखो कैसे कर रहा है मैं इसका फोटो बना रही हूँ, बड़े ध्यान से देख रहा है कि कर क्या रहे हैं भाग गया, डर भी रहा है पर हमें डरा भी रहा है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, तेरे को नहीं तंग कर रहे हम। ये रह गया नारकंडा पीछे, एक्चुअली नारकंडा में हमने कुछ व्यू नहीं बनाया, एक और बंदा उधर चढ़ रहा है। यहाँ के मैं कुछ ना आपको तो चलिए अब हम चलते हैं घर की तरफ क्योंकि सुबह से निकले हैं, लंच आज हमने गाड़ी में ही कर लिया था। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई और यहाँ हो रही है फ्लावरिंग, मेरे फूलों में होगी पूरी फ्लावरिंग, मैं फूल लगा के क्या, ये तो लास्ट ईयर लगाए हुए थे मैंने, वो देखो क्या सुंदर फूल खिले हैं। और गुलाब तो अभी खिले नहीं हैं, खिलने वाले हैं। और चेरी के फूलों पेड़ में भी फूल आ गए, ये देखो चेरी का पेड़, प्लम तो ख़त्म हो गए फूल इसके, प्लम में तो ओके जी आज के लिए इतना ही, मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और काफ़ी सामान है इसको रखना है अभी घर के अंदर, तो सेटिंग में लगेगा टाइम। तो सुंदर सा व्यू, हरियाली देखो मेरे चारों तरफ, मेरे इलाके में बहुत सुंदर लग रहा है।